देशांतर्गत गॅससाठीच्या मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. देशांतर्गत गॅसच्या किमती आता आंतरराष्ट्रीय गॅस किमतींऐवजी आयात केलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी संलग्न केल्या जातील. यामुळे पीएनजी आणि सीएनजीच्या दरात कपात होईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर आणि केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आणि अंतराळ राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्रिमंडळ निर्णयांबद्दल माहिती दिली. या निर्णयाबाबत उद्या अधिसूचना जारी करण्यात येणार असून शनिवारपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. देशांतर्गत गॅस उत्पादनात वाढ करणं हे उद्दिष्ट असून गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष दिलं जाईल असं अनुराग सिंग ठाकूर यांनी सांगितलं. प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया उसकी जगह अब इम्पोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा. मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा. दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग ये दोनों ही तय होंगी. फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है. इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी बची रहेगी. क्या इम्पैक्ट होने वाला है एपीएम प्राइसेस में कमी होने का सीएनजी और पीएनजी के? पुणे में अगर सीएनजी 92 रुपये प्रति किलो है तो कम होकर 87 रुपये हो जाएगी और वैसे ही अगर पीएनजी 57 रुपये है तो कम होकर 52 रुपये हो जाएगी. यानी कि 10% का सीधा ही आपको पीएनजी पर फर्क पड़ रहा है. तो कुल मिलाकर 10% तो सीधा ही पीएनजी पर अप्रोक्सीमेटली इसका फर्क पड़ेगा. सीएनजी में थोड़ा कम फर्क पड़ेगा लेकिन पीएनजी वाले में 10% तो वहां पे 7 से 9% के बीच में वहां पे भी उसका फर्क पड़ेगा. 2023 या वर्षासाठीच्या भारतीय अंतराळ धोरणालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. यामुळे इस्रोच्या मोहिमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. अंतराळातल्या कचऱ्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जगातली तिसरी वेधशाळा भारतात उभारली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या हिंगोलीची मंत्रिमंडळानं निवड केली आहे. या वेधशाळेसाठी 2600 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचं जितेंद्र सिंग यांनी सांगितलं. ही एक कल्पना की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक विश्व भर में केवल 2 ऑब्जर्वेटरी जिस प्रकार थी, 2 यूनाइटेड स्टेट्स में थी. तो ये जो एमओयू में हस्ताक्षर हुए थे प्रधानमंत्री जी की ही पहल पर, इसमें ये निर्णय लिया गया और यूएसए ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी उसकी स्थापना भारत में की जाएगी और ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से दिस लेजर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप. इसके लिए स्थान का चयन किया गया है महाराष्ट्र में हिंगोली स्थान पर.